की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सत्यता, राजनीतिक खोज, दमदार खबरों के साथ मैं खड़ा हूँ आपके साथ। मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यह खबर है दिल्ली रामलीला मैदान से। भारत में विभिन्न कर्मचारियों ने पेंशन को लेकर 28 तारीख 2018 से ही एक दिवसीय भूख हड़ताल पर रहे हैं। वहीं पर 26 नवंबर 2018 तक रामलीला मैदान से। अखिल शर्मा जी, आपकी क्या मांगे हैं? पुरानी पेंशन बहाली जी। तो कहां तक ये आपकी मामला पहुंचा हुआ है? संसद मार्ग पर 2 बजे घेराव होगा, काफ़ी लोग आए पूरे देश से जी। आपके क्या नाम सर? अजय कुमार जी। अजय जी, आप ये बताइए, आप रामलीला मैदान में स्थित हैं, क्या मांग है आपकी? मांग सिर्फ एक ही है कि पुरानी पेंशन स्कीम जैसे थी वैसे ही लागू की जाए, और जो NPS सरकार ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है उसको वापस कर लिया जाए जी। तो किसके आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसके लिए भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन 114 के हिसाब से बंद की हुई है, भारत सरकार ही जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने एक क्लॉज दिया हुआ है कि स्टेट अपनी पावर के यूज कर वो पेंशन कर सकते हैं जी। अभी क्या नाम है सर जी? जी आप ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? दिल्ली सरकार में काम करते हैं जी। तो इसके आप पेंशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं जो NPS है वो थोपी हुई चीज़ है, ये किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। सभी के सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं। सबका ये मानना है कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम जैसे पहले थी वैसी की वैसी हमें चाहिए, जो कि हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और कुछ कहना चाहते हैं? बस हम चाह रहे हैं कि सभी जो भी है नागरिक हमारा साथ दे इस चीज़ में, ताकि हम अपने जो हमारा एम है उसको अचीव कर सकें। बहुत धन्यवाद, जय भारत। पुरानी पेंशन को बहाल करें। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 30 अप्रैल को भी हमारा यहाँ पे एक विशाल धरना हुआ था, और आज के धरने मीडिया को ये कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज बड़े मीडिया हाउसेज जो भी हैं वो सरकार के हाथों इस कदर बिक चुके हैं कि आज हमें 3 लाख की जनता उन्हें नहीं दिखाई देती है। यदि वाजपेयी जी अभी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की खरीद कर बुलाई गई होगी तो उसके लिए कवर करने के लिए NDTV को मैं रवीश जी को भी धन्यवाद देता हूँ, वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आज तक AVP सारे यहाँ लाइन लगा के खड़े होते, लेकिन यदि आप अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहते हैं, भारत का लोकतंत्र जिंदा रखें। सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन बंद कर दी थी, उसको पुनः बहाल करें, क्योंकि पुरानी पेंशन भीख नहीं है, दया नहीं है, कर्मचारियों का अधिकार है जी। तो हमारी अपनी सरकार है, इस सरकार को तो और देना चाहिए, जबकि जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने कानून बना करके पुरानी पेंशन देने की व्यवस्था की थी जी। यहाँ पे लाखों की संख्या में आए हुए हैं लोग, तो और कहाँ कहाँ तक जाने की उम्मीद आप लगाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।